हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं आप लोगों के साथ वन स्टेप नाइट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये उन लोगों के लिए हैं जो स्किन केयर रात में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिन में तो हमारे पास टाइम होता है, कर लेते हैं। लेकिन जो कॉलेज गोइंग गर्ल, स्कूल गोइंग गर्ल या ऑफिस गोइंग लोग होते हैं, वो अपना स्किन केयर नहीं कर पाते हैं। नाइट में थोड़ा सा आने के बाद आदमी हरासमेंट रहता है, थका हुआ फील होता है, या फिर थोड़ा लेजीनेस भी फील होता है, तो आदमी स्किन केयर नहीं कर पाता है, जिससे स्किन हमारी डल ड्राई होने लगती है। तो चलिए, एक स्टेप तो कोई भी फॉलो कर सकता है। जस्ट आप कहीं से भी आते हो तो फेस वॉश तो करते ही होंगे, तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको फेस वॉश करना है और एक स्टेप को फॉलो करना है। जैसे कि स्किन केयर में आता है CTM, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, लेकिन ये तीन स्टेप हो जाता है। मल्टी स्टेप हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है, बहुत टाइम मतलब थके होते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो एक स्टेप को फॉलो करके आप अपने स्किन को उतना ही अच्छा स्मूथ बना सकते हैं। वो स्टेप क्या है, उसको जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। वो एक स्टेप क्या है, चलिए देखते हैं। उस स्टेप को फॉलो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट लेना है थोड़ा सा हनी। इस चम्मच से हम निकाल कर हनी लेंगे। हमने हनी ले लिया है और नेक्स्ट जो हमें लेना है वो 4 से 5 ड्रॉप लेना है नारियल का तेल। ये जो टिप्स है ना, ये सारे स्किन टाइप वाले कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑयली आपका स्किन है तो आपको 2 से 3 ड्रॉप इसमें लेना है लेमन जूस। लेकिन कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन वाले इसे इजिली कर सकते हैं। इसको करने के बाद आपको किसी भी स्टेप को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फेस को वॉश करने के बाद और आप ऐसे छोड़ सकते हैं। आपको मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये आपके फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है। आपको करना क्या है कि ऐसे हाथ में शेक करके और फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है। आपको अच्छे से अप्लाई करने के बाद 4 से 5 मिनट तक इसे मसाज करना है। ये एक ऐसा स्टेप है जिसे फॉलो करने के बाद ना आपको किसी भी स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और नाइट के लिए तो द बेस्ट स्किन केयर है ये। बहुत अच्छा टिप्स है, मैंने इसे खुद अप्लाई किया है। अगर आप 10 डेज भी रेगुलर अप्लाई करो ना तो आपको फर्क बहुत अच्छा लगेगा, आपकी फेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा बदल जाएगा। अगर अनइवन स्किन टोन है तो वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। बस हाथ थोड़ा ड्राई लगे, क्योंकि शहद थोड़ा सा चिपचिपा होता है, तो आप थोड़ी सी ऑयल और ले लें या फिर थोड़ी सी पानी भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद हाथ को चलाएं ऐसे, हाथ थोड़ी सी आपकी चिपचिपाहट की वजह से पकड़ेगी, तो आपको ऑयल ले लेना है या फिर आप पानी लेकर के और हाथ को चलाएं ऐसे 4 से 5 मिनट तक आपको मसाज करना है। मिनट तक मसाज करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस जाकर जस्ट फेस को वॉश कर लेना है। बहुत ही अच्छा आप विजिबल रिजल्ट देखोगे, और अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिले तो इस रिजल्ट को हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है @pujapatel, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और स्किन और हेयर से रिलेटेड अगर और भी कोई परेशानी है आपको तो आप हमें वहां पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, अब 5 मिनट हो चुका है तो हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे।
तो देखिए, मसाज के बाद हमने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लिया है। आपको भी नॉर्मल पानी से ही वॉश करना है, किसी भी फेस वॉश या फिर हॉट वाटर का यूज नहीं करना है। फेस वॉश करने के बाद अगर आप कोई भी स्टेप फॉलो ना करो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मॉइस्चराइजर ना भी अप्लाई करो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस ऐसे ही आपको सो जाना है। आप 10 दिन फॉलो करके देखो, रिजल्ट आपको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।